एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें समुद्र दिखाया जाता है जहाँ पर सभी परमैन पानी के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर खड़े होते हैं और समुद्र में पानी जलने सीपी यानी कि शेल को उछालने का गेम खेल रहे होते हैं। और सबसे पहले पाको समुद्र के पानी पर शेल को फेंकती है और उसकी शेल 6 बार पानी पर उछलती है। फिर पाको बोलती है हुर्रे मेरा शेल पानी पर 6 बार उछला। परमैन उसको बोलता है कि हटो पाको अब मेरी बारी है, देखना मेरा शेल पानी पर 10 बार उछलेगा। और फिर पाको उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि देखना तुम्हारा शेल 1 बार भी नहीं उछलेगा, सीधा समुद्र के अंदर चला जाएगा। फिर परमैन बोलता है चैलेंज कर रही हो मुझे, देखना अब मैं क्या करता हूँ। और फिर परमैन शेल को जोर से घुमाता है और पानी के ऊपर फेंकने की जगह सीधा आसमान में फेंक देता है। और थोड़ी देर बाद सभी परमैन ये देखकर शौक हो जाते हैं कि शेल जैसी चीज उनके पास उड़कर आ रही होती है। और ये देखकर पायन बोलता है कि लगता है तुम्हारा शेल बूमरैंग की तरह तुम्हारे पास ही वापस आ रहा है। फिर परमैन बोलता है कि पागलों का पायन ये कैसे हो सकता है। और वो चीज उनके पास आती है तो शेल नहीं होता बल्कि बर्डमैन होता है। और बर्डमैन चिल्लाता है कि निकम्मो यार तुम क्या कर रहे हो। और सभी परमैन बोलते हैं कि बर्डमैन आप हो। और बर्डमैन सभी परमैन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो। और फिर बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन ने यहाँ पर आकर मूड खराब कर दिया। और परमैन की बात बर्डमैन सुन लेता है और बोलता है कि अपने ड्यूटी के टाइम ड्यूटी क्या करो और उसके बाद तुम खेल सकते हो। और इस सुनकर परमैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपके कहने का मतलब क्या है बर्डमैन, अब क्या हम खेल नहीं सकते। हम दिन रात गुंडों की चोरों की गान मारते है, मेरा कहने का मतलब है दिन रात गुंडों को पकड़ते है और थोड़ा खाली टाइम मिलने के बाद अब क्या हम खेल भी नहीं सकते। और परमैन की बात सुनकर सभी परमैन उसकी बात से एग्री करते हैं और बोलते हैं कि परमैन बिल्कुल सही कर रहा है बर्डमैन। और परमैन और ज्यादा गुस्सा निकालते हुए बोलता है कि आप बस दिन भरियों पर बैठकर घूमते रहते हो और हम सबको ऑर्डर देते रहते हो। उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर मैं बर्डमैन होता तो आपसे बेहतर काम करता और अपने इच्छे वालों को कभी ऑर्डर नहीं देता। और बर्डमैन बोलता है कि ये बात है तो बर्डमैन बना जाते हो तो ठीक है परमैन मैं तुम्हें आज से बर्डमैन बनाता हूँ। और फिर बर्डमैन परमैन को बर्डमैन का स्टिकर और बर्डमैन के मास्क का टुकड़ा लगा देता है और उसको बर्डमैन बना देता है। और बर्डमैन सभी परमैन को बोलता है कि आज से मैं बर्डमैन नहीं रहा, आज से परमैन ही बर्डमैन होगा और उसके तुम्हें सारे ऑर्डर मानने होंगे। और सभी परमैन बर्डमैन की बात को मान लेते हैं और परमैन को न्यू बर्डमैन मान लेते हैं। परमैन न्यू बर्डमैन बन चुका है इस बात से खुश हो जाता है और उछल के सीधा UFO के ऊपर बैठ जाता है और 2-3 बटन दबा के वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन वहाँ से गायब होकर आसमान में उड़ रहा होता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अब मैं बर्डमैन बन चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं जो मेरी मर्जी में वो करूँगा। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और सबसे पहले अपने स्पेसशिप के स्क्रीन पर मिचुको क्या कर रही है सर्च करता है। फिर उसे दिखता है कि मिचुको अपने कमरे में होती है और अपने कपड़े उतार रही होती है। और मिचुको जैसे ही कपड़े उतारने वाली होती है तभी स्क्रीन पर एरर आता है और परमैन के स्पेसशिप के स्क्रीन पर एक मैसेज आता है तुम्हारी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर हिला दे बेटे। मीनवाइल इसकी भैर की लोलिया यार तू पागल है क्या, अबे तू पार तेरी माँ की साड़ उफा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबा और उसकी टीम मैदान में बेसबॉल खेल रही होती है जहाँ पर कबा की टीम हारने वाली होती है, साबू लास्ट खिलाड़ी बचा होता है। और कबा उसको घुसते हुए बोलता है कि याद रखना साबू ये लास्ट बॉल बची है, अगर तुम इस बॉल पर आउट हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साबू ये बात सुनकर डर जाता है और लास्ट बॉल पे आउट हो जाता है जिससे गुस्सा होकर कबा उसके पीछे बैट लेकर बाने दौड़ता है और परमैन ऊपर से देखकर हंस रहा होता है। फिर परमैन इन दोनों के साथ फ्रैंक करता है जहाँ पर परमैन अपने स्पेसशिप में से एक बीन छोड़ता है और वो बीन सीधा कबाव के बैट को लगती है और कबाव की बैट वहाँ से गायब हो जाती है और साबू की तरफ चली जाती है। फिर साबू बैट को पकड़ लेता है और उस बैट से कबाव को मारने के लिए दौड़ता है और फिर से परमैन स्पेसशिप में से बीन छोड़ता है और साबू के हाथ में जो बैट होती है वो साबू के हाथ से गायब हो जाती है और कबाव के हाथ में पहुंच जाती है और कबाव फिर से उसके पीछे बैट लेकर मारने दौड़ता है। और परमैन ने नजारा अपने स्पेसशिप की स्क्रीन पर देख रहा होता है और पेट पकड़ कर हंस रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसो का रोबोट पार्क में खड़ा होकर युकी चैन का वेट कर रहा होता है और बोलता है कि युकी चैन अभी तक नहीं है। फिर युकी चैन वहाँ पर आती है और आती है मिसो को गले लगा लेती है और रोबोट बोलता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट का बड़ा वाला चूतिया काटे गया है क्योंकि वो युकी चैन नहीं होती बल्कि उसकी टीचर होते हैं। और ये देखकर मिसो के एल लग जाते हैं, फिर उसकी टीचर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये जरूर हो ना हो परमैन की शरारत होगी और परमैन ऊपर से देखकर हंस रहा होता है। और उसके बाद परमैन पायन बोबी और पाको को अर्जेंट मीटिंग में कहकर एक पहाड़ पर मिलने के लिए बुलाता है। सभी परमैन वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं पर परमैन अभी तक वहाँ पर पहुंचा नहीं होता है। फिर पाको गुस्से में बोलते हैं कि अर्जेंट मीटिंग में कहकर यहाँ पर बुलाया हमें और खुद गायब है। और तभी वहाँ पर परमैन प्रकट हो जाता है, नहीं बर्डमैन प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे हो दोस्तों। पाको गुस्से में बोलते हैं कि पहले ये बताओ हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। फिर परमैन बोलता है कि कोई तरीका हुआ बर्डमैन से बात करने का। और फिर पाको बोलते हैं कि अगर तुम बर्डमैन हो तो मैं भी पाको हूँ और भूलो मत अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारे क्या हालत करूंगी, चुपचाप बताओ हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। और फिर परमैन घबरा जाता है और बोलता है कि कोई अर्जेंट काम नहीं है, मैंने बस तुम्हें टाइम पास के लिए बुलाया था।
और उसकी बात रात हो जाती है और परमैन आसमान में घूम रहा होता है। तभी उसको भूख लगती है और वो डैशबोर्ड में खाना ढूंढता है तो वहाँ पर कप नूडल्स होते हैं। और फिर परमैन को बर्डमैन के बोले हुए शब्द याद आते हैं। बर्डमैन ने परमैन को बोला था कि बर्डमैन सिर्फ और सिर्फ कप नूडल्स ही खाते हैं और जब तक तुम बर्डमैन बने हो तुम्हें सिर्फ कप नूडल्स ही खाना होगा। और फिर परमैन जोर से चिल्लाता है, मुझे कप नूडल्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ अच्छी चीज चाहिए खाने को। और उसके बाद उसके स्पेसशिप का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो आसमान में इधर उधर घूमने लग जाता है। फिर वो शिप को जैसे तैसे संभालता है और एक जगह ले जाकर उसको अच्छी तरह से रिपेयर करता है। और रिपेयर करते हुए बोलता है कि बैचो टूट गया या खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये रिपेयर भी नहीं होगा, बैचो नया लेना पड़ेगा, गांठ फट जाएगी। अबे यार और स्पेसशिप रिपेयर होने के बाद उसको एक भूकंप का झटका महसूस होता है। फिर वो बिना देरी के अपनी यूरोप में बैठता है और जहाँ पर भूकंप का झटका महसूस हुआ वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट फट चुका होता है। फिर परमैन बिना देरी के पाको बुबी और पायन को कॉल लगाता है और बोलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट फट चुका है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और पायन को स्पेशली बोलता है कि तुम आते वक्त बहुत बड़ा कपड़ा लेके आना। फिर सभी परमैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बिना समय गवाए आग बुझाने के काम पर लग जाते हैं। और पायन कपड़े को खोल देता है और फिर पायन बुबी और पाको कपड़े का एक एक कोना पकड़ लेते हैं और उस चादर को प्लांट के ऊपर रखते हैं, पर चौथा पकड़ने वाला कोई नहीं होता इसलिए वो आग बुझाने में नाकाम हो जाते हैं। फिर परमैन बोलता है मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। इसलिए वो बिना देरी के अपनी स्पेसशिप में से कूद जाता है और अपने दोस्तों के पास मदद करने पहुंच जाता है और चादर का चौथा सिरा पकड़ लेता है और चारों परमैन उस चादर को पावर प्लांट के ऊपर रख देते हैं जिसकी वजह से आग बुझ जाती है और हम सबको बचा लेते हैं। और फिर परमैन बर्डमैन से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए बर्डमैन, मैं समझ चुका हूँ कि बर्डमैन बनना बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर बर्डमैन देखता है कि बर्डमैन के स्पेसशिप को दाग लगा होता है इसलिए वो अपना कपड़ा निकालता है और बर्डमैन के स्पेसशिप को साफ करता है। और ये देखकर बर्डमैन पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो बर्डमैन। फिर परमैन बोलता है कि आप हमारे गुरु हो, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये सुनकर बर्डमैन खुश हो जाता है और बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम सबको भी मेरी शिप साफ करनी होगी, चलो साफ करो मेरी शिप को। ये सुनकर पाको बुबी और पायन गुस्सा हो जाते हैं। फिर परमैन उनको बोलता है कि बर्डमैन जैसा कहा वैसा करो, चलो साफ करो शिप को। और फिर पाको बुबी और पायन भी स्पेसशिप को साफ करने के काम पर लग जाते हैं। और फिर बर्डमैन बोलते हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहो बच्चों, तुम एक दिन बर्डमैन जरूर बन जाओगे। और फिर बर्डमैन डिमांड करते हैं कि स्पेसशिप साफ करने के बाद मेरे लिए एक कप नूडल्स लेके आना। और इनकी बढ़ती हुई डिमांड देखकर सभी परमैन गुस्सा हो जाते हैं और उसकी स्पेसशिप को पकड़कर सीधा पानी के ऊपर फेंक देते हैं। और फिर सभी परमैन गिनने लग जाते हैं कि कितनी बार स्पेसशिप पानी पर उछली। और उसके बाद हम देखते हैं कि बर्डमैन की स्पेसशिप पानी पर 7 बार उछलती है। फिर सभी परमैन एक साथ बोलते हैं कि हुर्रे कांग्रेचुलेशन गाइस, बर्डमैन की स्पेसशिप पानी पर 7 बार उछली। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड होता है।